वेलकम टू माई चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी स्पिरिचुअल थेरापिस्ट पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 2 डेज में आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, क्या 2 डेज में वो कुछ एफर्ट्स डालेंगे ओके, या कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ आपके रिश्ते के लिए, ये सब हम आज डिटेल में देखेंगे। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखेंगे उसके नेक्स्ट 2 डेज के लिए ये रीडिंग प्रेडिक्शन एप्लीकेबल डेफिनेटली रहने वाली है। सो पूरी तरीके से टाइमलेस है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और अगर आप न्यू बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो या अपने लिए सीखना चाहते हो, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। आपको ई सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप इनरोल करने के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगी कि यस्टरडे मैंने एक रैंडम लाइव किया था आप सबके लिए इंस्टाग्राम में, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत सारे लोग जुड़े थे, मे बी 1000 या 2000 के आसपास लोग जुड़े थे, और सबके साथ अच्छी तरीके से कन्वर्सेशंस हुई। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने वीडियो में भी उन्होंने ज्वाइन किया। सो जो लाइव था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सबके साथ इंटरेक्शन करके। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक फ्री रीडिंग का जो लाइव है वो लाऊंगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, बिकॉज टाइम मैनेज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा लंबा लाऊं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री रीडिंग मिल पाए। ऐसा ना हो कि बस 5-6 लोगों को मिले और बाकी लोग क्वेश्चन सेंड करते रहे, होप्स लेकर बैठे रहे और उनका टर्न ही ना आए। तो मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जब मिलेगा तो ज़्यादा लंबा लाइव भले क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मैं फ्री रीडिंग दे पाऊँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, या जो लोग अभी नहीं ले सकते हो पेड रीडिंग्स, तो उनके लिए बेसिकली ओके। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर BDFIJLPNRWTXZ से शुरू होता है और आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट 2 डेज में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। ये पर्सन आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या कोई भी इंसान जिन्हें आप प्यार करते हो या फिर वो आपसे प्यार करते हो। तो सिचुएशनशिप वाले, फ्रेंड जोन वाले, वन साइडेड वाले, सबके लिए है ओके। सो या इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। तो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें। और अगर आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हो, टैरो रीडिंग सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, कंप्लीशन के बाद ई सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करवाई जाती है। सो आप इनरोल करने के लिए मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। We have 8 of cups. We have page of cups. The sun. Three of Pentacles and what on the deck? So we have 5 of Pentacles. So रीडिंग शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि आप लोग सब बोल रहे थे पेड रीडिंग्स ओपन करने के लिए। सो आज से मैं पेड रीडिंग्स की जो बुकिंग्स है वो मैं ओपन करूँगी। 2-4 डेज के लिए ये जो बुकिंग्स है अपॉइंटमेंट्स की, ये ओपन रहेंगी, लेकिन स्लॉट्स लिमिटेड रहेंगे।
तो अगर आप लोग पेड रीडिंग करवाना चाह रहे थे, अब तक वेट कर रहे थे, तो अभी आप लोग जो भी व्हाट्सएप नंबर गिवेन है, जो व्हाट्सएप नंबर रीडिंग के लिए गिवेन है, उसी में आप कांटेक्ट कीजिए। बिकॉज़ दो नंबर्स गिवेन है व्हाट्सएप के, एक है पेड रीडिंग्स के लिए और दूसरा नंबर है एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स के लिए और टैरो क्लासेस के लिए। तो नंबर को देख लीजिए और एल्स आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। अगर आप गलत नंबर पे गलत सर्विस के लिए मैसेज भेज दोगे तो आपको वो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स चाहते हैं तो उसके भी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर, जो लोग पहले कॉन्टैक्ट किए हो, ठीक है, ब्रेसलेट के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स के लिए, बट किसी वजह से आपको रिप्लाई नहीं मिला है अभी तक, ठीक है, आपके मैसेज करने के बावजूद। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग फिर से मैसेज कीजिए, ठीक है, या फिर जो मैसेज आपने भेजा है उसी को कॉपी करके फिर से फॉरवर्ड कीजिए ताकि दिखे। और जो लोग पेड रीडिंग करवाना चाहते हो, अभी बुकिंग्स ओपन है, तो अगर आपने पहले मैसेज भेज कर रखा हुआ है तो फिर से मैसेज भेजिए, ओके। सो या यही मुझे बताना था, तो आप लोग अभी रीच आउट कर सकते हैं, आपकी बुकिंग्स हो जाएगी। सो चलिए आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ओके। सो आपके जो पर्सन है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 2 डेज में आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ आने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि वो आपके साथ बात करें, आपके साथ दोस्ती करें, या फिर आपके साथ कनेक्शन को और बढ़ाए, ठीक है, या फिर जो कनेक्शन टूट गया है उसे फिर से जोड़े। ऐसी वाली एनर्जी आपके पर्सन के नेक्स्ट 2 डेज में रहने वाली है। एक इमोशनल अनसेटिस्फैक्शन इनको मिलने वाला है और उनका सब फील होगा कि इनके मन में जो नेगेटिविटीज़ है, जो हताशा है, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी सैडनेस कहीं ना कहीं है, तो वो उसी वजह से है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है या फिर ये आपसे दूर है इसी वजह से। तो उनको ये रियलाइज़ होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर कि अगर इनके मन में कोई दुख है, अगर इनके मन में कोई पेन है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि वो आपको प्यार नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, ओके। तो ऐसी उनको फील होगी, तो वो फील करेंगे कि उन्हें अगर अपने लाइफ में शांति लानी है, हैप्पीनेस लानी है, तो उन्हें आपके पास वापस आना होगा, उन्हें आपको प्यार करना होगा और उन्हें खुशी के साथ आपके साथ जीना होगा, खुशी के साथ, ओके। तो ऐसी वाली एनर्जी होगी जहाँ पर ये इंसान चाहेंगे कि ये इंसान आपके तरफ लौटे। अगर सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, मैरिड लाइफ में आप दोनों की इशूज़ आ चुकी हैं, उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान नेक्स्ट 2 डेज में ज़रूर फील करने वाले हैं कि इनको अब आपकी तरफ लौटना है एनी हाउ, और आपके साथ फिर से कनेक्शन को मजबूत करना है, और जो भी फ्रेंडशिप लेवल है या जो बॉन्ड है उसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग करना है, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आपके पास ही इनकी हैप्पीनेस है। अगर आप हो तो ये ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप नहीं हो तो ये हमेशा कहीं ना कहीं सैड या अनसेटिस्फाइड रहेंगे ही रहेंगे किसी ना किसी वजह से। तो इस बात को तो ये ज़रूर समझ लेंगे, ठीक है। अगर ये किसी और के पास भी चले गए थे, थर्ड पार्टी के पास, तो उनके रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने उनके डिसीशंस गलत थे। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते भी हैं तब भी उन्हें खुशियाँ नहीं मिलेंगी, बिकॉज उनकी खुशियाँ आपके साथ हैं। और अगर वो आपको ही छोड़ देते हैं और आपसे अपना रास्ता मोड़ लेते हैं, तो फिर उनको भी लाइफ टाइम स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अंदर से वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी हैप्पीली नहीं रह पाएंगे, या किसी को सच्चे मन से प्यार नहीं कर पाएंगे। ऐसी वाली फीलिंग्स आपके पर्सन की नेक्स्ट 2 डेज में होने वाली है। आपके पर्सन ट्राई करेंगे एफर्ट डालने की नेक्स्ट 2 डेज में, आगे मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, लेकिन मुझे यहीं पे मुझे फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे इनकी फीलिंग्स यही रहेंगी कि आपके तरफ बढ़े, आपके लिए कुछ करें। तो ये एफर्ट डालेंगे मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट 2 डेज में, या कहीं ना कहीं अगर किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो उस सिचुएशन को फिक्स करने की या उससे निकलने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है। नो मैटर कितना उन्हें टफ लगे या फिर कितना उन्हें हार्ड लगे कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी दे विल ट्राई। सो अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इशूज़ हैं तो नेक्स्ट 2 डेज में चांसेस हैं कि वो अपने फैमिली को समझाएंगे या फिर अपनी जो स्टैंड है वो अपने फैमिली के सामने लेंगे आप दोनों के कनेक्शन को लेकर। ऐसी वाली एनर्जी बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ तो एफर्ट ये डालेंगे, या तो डायरेक्टली आपके पास आकर आपको कुछ बोलेंगे, या फिर अगर कोई सिचुएशन जो आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है तो उस चीज़ को फिक्स करने की ये पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में। नेक्स्ट 2 डेज में ये इंसान डेफिनेटली फील करेंगे कि आप इनकी हैप्पीनेस है, इन्हें आपके पास आना है, और ये ज़िंदगी में तभी खुश रह सकते हैं जब आप आपके साथ ये रहेंगे, और ऐसे कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे पूरी तरीके से। ये फील ये इंसान करने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज में। सो चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि इनके करंट फीलिंग्स ही बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं, मतलब कम सोचने वाले हैं, फील करने वाले हैं, ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन और भी क्या होगा डिटेल में। थ्री ऑफ कप्स,
टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, वाओ, एंड बॉटम ऑफ से है टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है जितना ज़्यादा वो बियर कर रहे थे या बर्दाश्त कर रहे थे, उसके एंडिंग्स यहाँ पर होने वाले नेक्स्ट टू डेज में ही मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान जो है आपको एक सॉलिड ऑफर कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कुछ परमानेंट चेंजेस होंगे आपके रिश्ते में और आपके पर्सन कुछ परमानेंट आपको ऑफर करेंगे। ये परमानेंट ऑफर रियूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। अगर आप दोनों शादीशुदा होने के बाद भी अलग अलग घर में रह रहे थे तो आप लोग एक साथ, हो सकता है कि ये इंसान आपको लेने आए, ठीक है, या फिर ये आपके पास ही आ जाए रहने के लिए, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। तो कुछ मुझे लग रहा है सॉलिड चीज़ें इंसान ऑफर करेंगे नेक्स्ट टू डेज में ही, ठीक है, क्योंकि इनकी विश है जो ये अब तक पूरा नहीं कर रहे थे, अब तक रुके हुए थे किसी रीज़न से, कुछ कर नहीं रहे थे, एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, लेकिन अब ये डालेंगे नेक्स्ट टू डेज में। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से ये करने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों के कनेक्शन में हैप्पीनेस आए, ठीक है। एंड चांसेस हैं कि नेक्स्ट टू डेज में ये इंसान आपसे मिले भी, या फिर आपके फैमिली से मिले, या फिर अगर आप दोनों की फैमिली को पता है तो सकते हैं आप लोग मिलो, बात करो, बैठ करोगे एंड बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो आप दोनों के बीच में, या आप दोनों फ्रेंड्स के थ्रू यू नो मुलाकात करो। तो जो लोग आसपास रहते हो या फिर पॉसिबल है मिलना, तो चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे मिलने आ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं और बहुत ही अच्छा टाइम आप दोनों स्पेंड कर सकते हैं, नो मैटर यू नो कितना प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में अभी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या दूर है ये इंसान, तब भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे दूर से ही, जिससे आप दोनों के कनेक्शन में परमानेंटली बैलेंस आएगा, परमानेंट मिराकल्स होंगे और परमानेंट तरीके से आप दोनों के रिश्ते में फिर से वो खुशियाँ लौट कर आएंगी जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ओके। सो ये इंसान डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अप्रोच करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्गर तरीके से, सीरियसनेस के साथ, और कुछ यू नो लॉन्ग टर्म बनाने के लिए ही आपको अप्रोच करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, या फिर आपके लिए सही में कुछ स्टैंड लेंगे, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जो स्टैंड हो सकता है कि आपको तुरंत ना नजर आए, लेकिन हो सकता है ये अपने लाइफ में उस चीज़ को फिक्स कर रहे होंगे ताकि वो आप तक पहुँच सके, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट टू डेज के अंदर ये इंसान आपसे क्या कहना चाहेंगे, उनका मैसेज आपके लिए कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर देयर इज ऑलवेज अ हायर पर्पज टू द इवेंट्स इन योर लाइफ, थ्रू टर्मोइल अ ब्लेसिंग विल सून बी रिवील्ड। तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन को ऐसा महसूस होगा कि जो भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और चांसेस है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो कि मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की आपकी होगी, तो ये इंसान आपको समझाएंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आई थी या सेपरेशन हुआ था तो वो अच्छी रीज़न के वजह से हुआ था, और यू नो उस गैप में आप दोनों ने बहुत कुछ सोचा समझा, एक दूसरे को फील किया, और उससे अब आप दोनों यू नो और भी ज़्यादा एक दूसरे को समझ पा रहे हो, कंपैटिबिलिटी आ गई है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पास्ट की चीज़ों को भुलाना चाहेंगे, वो आपको बताना चाहेंगे नेक्स्ट टू डेज में, मैसेज देना चाहेंगे कि आप पास्ट को भूल जाओ, और अगर कुछ गलत चीज़ हुई है आप दोनों के बीच में तो उसे ऐसे लेसन की तरह लो, और ऐसा फील करो कि यू नो जो होता है कुछ रीज़न के वजह से होता है और कुछ सीख सकते हैं हम उससे, और फिर आप दोनों फिर से नई शुरुआत करो, ऐसी वाली एनर्जी है। और ये इंसान आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यू नो बस अब सब कुछ ख़त्म करके फिर से नई शुरुआत करते हैं साथ में, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की रहने वाली है। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पायलवन। हेलो पायल नंबर टू, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर EACKGHMOQUSVY या वाई है, तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट टू डेज में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे एंड उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा इन टू डेज के अंदर, और मैसेज क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ओके। सो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखें अपनी पर्सन के ऊपर। अच्छी हमारे पास है टू ऑफ स्वॉर्ड्स,
हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द लवर्स, Queen of Pentacles, and bottom of the deck we have Nine of Wands. Okay, so reading start करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा request कर रहे थे कि मैं paid readings open करूँ. So अभी 2 to 4 days के लिए paid readings की जो bookings है वो open हो रही हैं. So अगर आप लोग reading करवाना चाहते हो तो आप अपने स्लॉट्स बुक करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर. जो नंबर पेड रीडिंग्स के लिए दिया है सिर्फ और सिर्फ उसी में रीच आउट करें, क्योंकि दो नंबर्स मैंने दिया है, एक एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए टैरो क्लासेस के लिए और एक नंबर सिर्फ रीडिंग्स के लिए. तो अगर आप गलत नंबर पर यू नो रीच आउट करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा. तो जो नंबर जिस सर्विस के लिए दिया गया है उसी नंबर पर उसी सर्विस के लिए रीच आउट करें, कन्फ्यूज मत होइए. आराम से मैंने यू नो डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिख दिया है. सो अगर आप एनर्जाइज जेमस्टोन क्रिस्टल्स वगैरह का भी बुकिंग्स करवाना चाहते थे बट यू नो आपको रिप्लाई नहीं मिल पाया, आप लेना चाहते हो बट अभी तक आपको यू नो कोई भी रिप्लाई नहीं मिला है, तो आप फिर से मैसेज कीजिए, ठीक है. तो अब क्योंकि बुकिंग स्टार्ट हो गई है क्रिस्टल्स की भी एंड टैरो रीडिंग्स की भी, तो आप फिर से मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा और आपकी बुकिंग भी हो जाएगी. और पेड रीडिंग्स की भी जो स्लॉट्स है वो लिमिटेड ही रहेंगी, लेकिन स्टिल ओपन हो चुकी है, मैंने ओपन कर दिया, तो आप लोग रीच आउट कीजिए फिर से. अगर पहले मैसेज भेज रखा है तो फिर से भेजिए न्यू मैसेज, ओके, आपकी बुकिंग हो जाएगी. सो या सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग. सो देखिए आपके जो पर्सन है नेक्स्ट 2 days में मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स फील करने वाले हैं. ये इंसान बस आपको देखते रहेंगे, ठीक है. ये एनर्जी मुझे दिख रही है और ऐसा नहीं है कि ये इंसान देख रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपको, नहीं, ये इंसान मुझे लग रहा है कि छुप कर देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि ये इंसान तो अपने लाइफ में बिजी है या फिर ये इंसान ने आपको अनदेखा कर दिया है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, ठीक है. ये इस पर्सन का पूरा फोकस जो है हेविली आपकी तरफ नेक्स्ट 2 days में होने वाला है और ये पर्सन मतलब फील करने वाले हैं, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन कि ऐसा फील करेंगे कि यू आर परफेक्ट, ठीक है. मतलब आप लाइक यू आर अ एंजल, ठीक है. और जो भी मेल भी हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, डजेंट मैटर, एंजल मतलब बहुत खूबसूरत, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एंड हर एक क्वालिटीज़ जिनके अंदर होती है. तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील करने वाले हैं. इनको यू नो थोड़ी सी मुझे लगता है कि 18+ वाइब्स, 18+ फीलिंग्स भी आएगी आपके लिए, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाले हैं. या तो यू नो नेक्स्ट 2 days में कोई इवेंट है या कोई फंक्शन है या कोई गैदरिंग है जहाँ पर आप जाने वाले हो और ये पर्सन भी आने वाले हैं, तो ये इंसान आपको देखेंगे एंड यू नो फिदा हो जाएंगे एंड आपके बारे में ही सोचते रहेंगे. और अगर ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है, तो अगर सोशल मीडिया वगैरह में आप हैं तो भी मुझे लगता है कि ये इंसान आपके बारे आपको देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा, आपकी पिक्चर्स वीडियोज़ आपको ही यू नो देखते रहेंगे, बस स्टॉकिंग, ठीक है, जहाँ पर पिक्चर्स वीडियोज़ आपके देख रहे हो. और अगर आप नहीं भी यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपको ये इंसान सोचते रहेंगे, मन ही मन में इमेजिन करते रहेंगे, ठीक है, फैंटेसाइज करते रहेंगे. लेकिन इनकी एनर्जी मुझे इस तरीके से दिख रही है कि आपके ऊपर ही पूरी तरीके से ये इंसान जो है ना सोचते रहेंगे नेक्स्ट 2 days में, ओके. उनको और ख्याल नहीं आएगा, वो बस देखेंगे कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने अमेजिंग हो, और फैंटेसाइज ज़रूर करने वाले हैं, ठीक है. अगर ये इंसान किसी और के साथ भी है, ठीक है, किसी और को डेट भी कर रहे हैं, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, जो भी है, उसके बावजूद भी ये इंसान बस आपके ख्यालों में डूबे रहने वाले हैं नेक्स्ट 2 days में, ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है. यस डेफिनेटली. और मुझे नज़र आ रहा है कि ये ऐसा फील तो करेंगे, लेकिन साथ में इन्हें ऐसा फील होगा कि जैसा ये फील करने वाले हैं ना, वैसे और भी लोग हैं आपके लिए, मतलब सोचने वाले, आपको एडमायर करने वाले, आपको चाहने वाले, ठीक है, आपको प्यार करने वाले. तो उनको ऐसा फील होगा कि आपको ऑप्शंस की कमी नहीं है, ठीक है, आप एक बुलाओगे तो 10 लोग आएंगे आपके पास, ऐसी वाली एनर्जी. तो ये कहीं ना कहीं फील करेंगे कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग, ठीक है. उन्हें ऐसा महसूस होने वाला है नेक्स्ट 2 days में कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं ज़िंदगी में, आप बहुत तरक्की कर चुके हैं और यू नो इनके हाथ नहीं आने वाले अब आप, क्योंकि ये जैसा फील कर रहे हैं, ये इतना इमोशनल फील कर रहे हैं, सेक्सुअल फील कर रहे हैं आपके लिए. ऐसा और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ना, आप मतलब अपने ही लाइफ में और यू नो
अपने ही बाउंड्रीज में जो है जी रहे हैं, और यू नो आपने बेस्ट चुन रखा है यार आप, या फिर आप बेस्ट चुनोगे, ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहने वाले हैं। तो थोड़े से इन्फीरियर फील करेंगे नेक्स्ट 2 डेज में, लेकिन बहुत इमोशनल एंड बहुत ज़्यादा सेक्सुअली ये इंसान फील करने वाले हैं आपके लिए। लेकिन फिर इन्हें ये भी याद आएगा कि मे बी अब आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, तो ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स शो करे ना करे वो एक ही बात हो जाएगी कि आप उन्हें अनदेखा कर दोगे या फिर आप उनकी फीलिंग्स को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दोगे, ऐसा इस पर्सन को फील होगा। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपको प्यार करना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे, ठीक है, देखना चाहेंगे, लेकिन उनको यू नो हेजिटेशन होगा, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ है कि आपके पास तो बहुत लोग हैं, आप इन्हें क्यों मौका दोगे अब, ठीक है, जब टाइम था तब इन्होंने कुछ किया नहीं, तो अब आप इन्हें क्यों मौका दोगे, आप किसी और को दे दोगे उससे अच्छा है, किसी नए इंसान को दे दोगे मौका। तो ऐसे वाले फीलिंग्स में ये इंसान जो है रहने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज में। ओके, तो थोड़े से मुझे लगता है दूर ही रहेंगे, नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, लेकिन दूर दूर से इनका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से आपके ऊपर है, भले कितना ही कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा यू नो अट्रैक्शन फील करेंगे आपके टूवर्ड्स उन्हें, मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, या सो ऐसी वाली एनर्जीज हैं। सो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नेक्स्ट 2 डेज में आपके लिए। एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम रेक से वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स। ओके, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर 2 बार आ रही है। उसके नीचे वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो एक मैं बात बता देती हूँ यहाँ पर, ये एलजीबीटी वालों के लिए भी है, ठीक है, ये जो लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में उनके लिए भी है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ सबके लिए, बट स्टिल देन कमेंट्स आते हैं, आई डोंट नो वाई, कि मैम इनके लिए है क्या, इनके लिए है क्या, तो आप सबके लिए है गाइज। ओके, सो इस पर्सन की नेक्स्ट मूव देखिए, मैंने कहा कि बहुत लोगों की, आप लोगों में से हो सकता है कि गैदरिंग है आप दोनों के, म्यूचुअल फ्रेंड्स या फैमिली कुछ तो बात है, ठीक है, जहाँ पर हो सकता है आप दोनों 2 दिन के अंदर कोई फंक्शन अटेंड करने वाले हो, तो वहाँ पर आप दोनों की बातचीत होने के चांसेस हैं, यानी ये इंसान यू नो कुछ एफर्ट डालेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए। और जो लोग ऐसा कोई सीन नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन जो है नेक्स्ट 2 डेज में आपके लिए कुछ करने वाले हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट 2 डेज में आपको ये कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे अगर आप दोनों की बातचीत बंद है या फिर यू नो सेपरेशन है, लेकिन ये इंसान आपके लिए कुछ करने वाले हैं या कुछ बनाने वाले हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट 2 डेज में हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए एक लेटर लिखे एक पेपर पर, या एक पोएम लिखे आपसे रिलेटेड, ठीक है, या फिर स्टोरी लिखे आप दोनों की लाइफ से रिलेटेड, आप दोनों की कनेक्शन से रिलेटेड, या आपके लिए कोई कस्टमाइज्ड गिफ्ट बनाइए इंसान अपने हाथों से, या फिर आपकी पेंटिंग करिए, ठीक है, आपकी स्केच बनाइए अचानक से, ठीक है, आपकी फ़ोटो निकाल के, कुछ ये इंसान नेक्स्ट 2 डेज में आपके लिए करेंगे, जो चीज़ हो सकता है बाद में जाकर आपको ये इंसान ऑफर देंगे या फिर आपको गिफ्ट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट 2 डेज में कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन या कुछ डायरेक्ट एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंसान आपको याद करते करते आपके लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ आपके लिए यू नो मेहनत से अपने हाथों से अपने क्रिएटिविटी से ये इंसान कुछ बनाने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ ज्वेलरी वगैरह भी हो सकता है कि ये इंसान बनाए आपके लिए, ठीक है, अगर इनको आता है तो, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ एक क्रिएटिव तरीके से ये इंसान आपके लिए बनाकर रखेंगे और वो चीज़ आपको एज अ गिफ्ट ये इंसान बाद में देंगे, ठीक है, 2 दिन के अंदर तो नहीं दे पाएंगे लेकिन बाद में देंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है जो, तो मतलब आप कहने के बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर ये इंसान आपसे बिना बात किए भी आपके लिए कुछ बना रहे हैं तो डेफिनेटली उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, इसी वजह से वो इंसान आपके लिए यू नो कुछ स्पेशल बनाएंगे, ठीक है, कुछ तो हटके वो इंसान करेंगे आपके लिए। तो कुछ कुछ भी हो सकता है कोलाज बना दे आपका, या कोलाज का वीडियो बनाए, या कुछ भी करे, बट मुझे लग रहा है कुछ क्रिएटिव तरीके से ये इंसान आपके लिए बनाएंगे आपके लिए करेंगे, एंड उस चीज़ को ये इंसान बाद में आपको सेंड करेंगे या बाद में आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। सो या ये 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ नज़र आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ये इंसान आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। We have criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform.
तो आपके पर्सन नेक्स्ट 2 डेज में आपको मैसेज देना चाहेंगे। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप लोग ना कनेक्शन में जब थे तब वे वजह के झगड़ते थे, ठीक है, मतलब प्यार पे ज़्यादा ध्यान नहीं था आप दोनों का, बल्कि आप दोनों का ध्यान ज़्यादा एक दूसरे को डोमिनेट करने में था, एक दूसरे की गलतियाँ निकालने में था, कंप्लेन करने में था, झगड़ा करने में था। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि यू नो ये आपको मैसेज देना चाहेंगे कि अब जो है साथ आते हैं एंड अब जो है बस प्यार पे ध्यान देते हैं और बाकी चीज़ों को साइड में रखते हैं। क्या चीज़ें फेवर नहीं कर रही है, क्या चीज़ें हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उन सारी चीज़ों को साइड में रखकर हम बस एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम दोनों हैं और हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। और यही जो प्यार की ताकत है वो हम दोनों के कनेक्शन को बहुत आगे बढ़ाएगी और हम दोनों बहुत खुश रह पाएंगे। ये मैसेज ये इंसान आपको देना चाहेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में बहुत पावर स्ट्रगल रहा है, बहुत यू नो झगड़ा कंप्लेन करना ये सब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही है प्यार से ज़्यादा। तो अभी इंसान वही मैसेज आपको देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक और मौका मिले आप दोनों को और आप दोनों अब जो चीज़ें पास्ट में हुई उसी चीज़ को रिपीट ना करो बल्कि एक नई तरीके से यू नो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लो जैसे आप दोनों हो, जैसे आप दोनों का लाइफस्टाइल प्रोफेशन सब कुछ है। ओके, सो ये मैसेज ये इंसान आपको देना चाहेंगे। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पाइल्चू।